एक दिन जा रहे थे लेट हो गए, तो लेट में जल्दी में ये सीधे गुरु महाराज के कमरे में चले गए। जो ही अंदर गए वहाँ मोदी जी बैठे हुए थे। गुरु ने कहा जा चाह बना ले, ये चला गया चाह बना के लाया, चाय दी मोदी अंकल ने मिली, चले गए। जब मोदी अंकल गए तो गुरु महाराज बीपी को कहते हैं पिछले हफ्ते तू इतने से दीपक चोपड़ा नाल अडवाणी आया सी, कहना हाँ गुरु जी मैं इतनी समय देख। फिर गुरु जी आस्था से बोले अडवाणी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, बीजेपी का जरा प्राइम मिनिस्टर बन वाला बंदा है जेड़ा हूँ गए। एंड दिस गुरु महाराज सेड 15 to 20 years बैक। अब तीसरा सत्संग, उनके चरणों में सरेंडर करिए, सारे इफ बट बार जोतों के साथ छोड़ के आइए। गुरु महाराज की दुनिया वहाँ शुरू होती है जहाँ हमारी दुनिया ख़त्म होती है, और अगर ऐसा ना होता तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू इन फिजिकल टर्म्स, तो अडवाणी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, अब्दुल्ला को, मुफ्ती फैमिली को, मोदी जी को, चंद्रबाबू नायडू को, देवी लाल को, भजन लाल को, ये चंद्रशेखर को, इंदर गुजराल को, मैं उन हस्तियों के नाम ले रहा हूँ जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं भी चला जाऊंगा, बट व्हेन यू आर प्रेजेंट, फिर कहने लगे दिल्ली कई बार उजड़ी है, मैं कहा हाँ गुरु जी, फिर उजड़ेगी, और जब फिर उजड़ेगी और उसके बाद बसेगी तो ये जो मंदिर है उस दिल्ली के सेंटर में होगा। आई एम शेयरिंग विद यू डायरेक्ट कन्वर्सेशन विदाउट चेंज ऑफ इवन कॉमा फुल स्टॉप। फिर कहने लगे ये बहुत शक्ति वाली जगह है, मैंने यहाँ बहुत शक्ति दे रखी है। वो जमाना आएगा जनरल साहब कि जबकि लाखों की लाइन लग जाएगी, मेरे दर्शन करने दुर्लभ हो जाएंगे, लेकिन जो कोई मेरे साय से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट बीमारियों को ठीक किया। अगर वो लाखों लोगों की बीमारियां ठीक ना होती तो प्यारी साथ संगत, उस मंदिर में जिसमें 250-300 लोग नहीं जाते थे, अब एक मंडे वाले दिन लाखों से ज्यादा लोग जाते हैं। पिछले से पिछले मंडे को जब कुछ त्योहार सा था, 1,60,000 आदमी एक दिन में गए। कोई गुरु जी के लिए तो नहीं गया भाई, सब अपने लिए गए। और ये वही गुरु जी हैं जिनके सत्संग ग्लोबली वर्ल्ड ओवर होते हैं। कहाँ? सऊदी अरेबिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू जर्सी, अमेरिका, कैनेडा, यू नेम द प्लेस।